नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों, अगर आपके हाथ में एक ऐसी रेखा है तो देखें, जीवन में ऐसे लोगों की शादी भी नहीं होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और ये विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। वैसे तो एक संयोग की बात है, एक दुर्भाग्य की बात है। संयोग कभी कभी साथ दे देता है, दुर्भाग्य जब इंसान का आता है तो उसके उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है कि जीवन उसका जीना मुश्किल हो जाता है। कहते हैं जीवन की सफर चलना मुश्किल हो जाता है। कई लोग आपने देखा होगा, शादियां तो करते हैं लेकिन पूरी लाइफ अगर सक्सेस नहीं होती है तो जीवन एक पटरी से उतरती रहती है, तो जीवन में काफी हलचल रहती है। ऐसे लोग अपने जीवन को बड़ी गंभीर समस्या मान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा। जीवन रेखा जितनी लंबी होगी उतना जीवन जीने का आनंद प्राप्त होता है। और इसी प्रकार से ये हमारी मस्तिष्क रेखा जितनी लंबी होती है उतना आपके मन में सोचने की कला को भर देती है। इसी प्रकार से हृदय रेखा भी जितनी सुडोल सुंदर हो, स्पष्ट हो, ऐसे लोगों का प्रेम संबंध बहुत अच्छा होता है। तो आज मैंने की बात की, अगर आपके हाथ में ऐसी एक रेखा है तो जीवन भर वो ऐसे लोग कुंवारे रहते हैं, जीवन में काफी दुखों का सामना करना पड़ता है। कहते हैं ना, जीवन में ये मौका किसी किसी को मिलता है। शादी तो करते हैं, शादी का जो जीवन का सुख है सभी को प्राप्त होता है, लेकिन आपके हाथ में अगर एक ऐसी रेखा इस हमारे बुध पर्वत से चलकर और बुध फिंगर की तरफ मुड़ जाए। अगर बचपन में देखे थे ऐसे लोग शादी के लिए मना करते हैं, अगर इनका जोर इनके परिवार वाले दबाव भी डालते हैं कि शादी कर लो तो पहले तो मना करेंगे, लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद ऐसे लोगों की शादियां भी नहीं होती है। अगर ऐसे हाथ में रेखा है तो समझ लो ऐसे लोग जीवन भर कुंवारे रहते हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की हमारी वीडियो। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।